शेमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिस लड़की के फेरे पड़े थे उसका तलाक हो चुका है। मिस्टर बैनर्जी और मिसेज बैनर्जी के बीच में दो बार वर्ल्ड वार हो चुका है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। अरे भाई साहब, वो बेशरम आत्महत्या करेगा, अंदर सोया है वो। अगर तुम्हारे उठने से पहले वो लोग अंदर आ गए तो तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया से ही उठा देंगे। उठ जाओ। ना दिक्कत करो, ना डिस्टर्ब करो, ना दिक्कत करो, ना डिस्टर्ब करो, मेहमान भाई सोए रहे। बन जा।
डिस्टर्ब करो मेहमान भाई सोहेला है। बेवकूफ उल्लू की दुम, तुझे शर्म नहीं आती? तूने कपड़े नहीं पहने, लोग क्या कहेंगे कि चंदर टेलर जो पूरे शहर के नंगों कपड़े सिलता है उसका असिस्टेंट नंगा? गुरु मैं तो कम से कम चड्डी में हूँ, तुम अपनी देखो। हाँ देखो देखो। अरे यार मेरे कपड़े कहाँ गए? आज अमावस है ना, इसलिए मेरे कपड़े चले गए। अमावस तो तुम्हारे लिए थी, लेकिन मेरे कपड़े क्यों चले गए? तू अमावस का चमत्कार समझता नहीं है। अमावस तेरे लिए भी थी, तभी तो तेरी चड्डी बच गई। चल तू हट। अरे रुक रुक टीवी साला, आंखें फूट गई का तुम्हारी? अरे जीवा भैया, हमारी किस्मत फूट गया है। क्या हुआ? अरे जिस औरत के पास कपड़े बेचने जाऊं, या तो थप्पड़ मारे है या फिर गाली देवे है। क्यों? क्योंकि औरतें कपड़े सिलवाने के लिए शहर जाना नहीं चाहती, और अपनी कॉलोनी का लेडीज टेलर चंद्रलाल सी नंबर वन है। वो कपड़ों सी तो नहीं, मारो कपड़ों बिक तो नहीं। ओ साला, हमरा उसे कॉलोनी की महिलाओं को तकलीफ हो, ये तो बढ़िया बात नहीं है। वही तो। साला तू एक काम कर, उस चंदर को जाके बोल, अगर जीवा भैया की बात नहीं ना मानी तो 2 महीने में जनार्दन भैया आने वाले हैं, फिर उसके बाद उसकी दशा वो भीगा कुत्ता की तरह हो जाएगा। बेटा चंदर, अब तो थारे को काम करना ही पड़ेगा।